औरत का चरित्र और मर्द का भाग कब पलट जाएगा ये भगवान ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। जी बीवी जो है तैयारी कर रही थी और आप कह रहे हैं कि उनको आप पढ़ाई छोड़ा दिए। जी जी पढ़ रही थी, हाँ। पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी, तब बोले तैयारी करके कोई फायदा है नहीं, अब यहाँ जो है मकई ढेरी हो गया है, भुट्टा छिलिए, हम लोग को डर लगता है। डर लगता है। ज्योति मौर्या जी खेले लड़े ना सातों घर है ना, आप तो गए गए, पति को भी गए गए भेजबे किए, अब पूरा भारत में संदेश चला गया कि जितने भी पतिव्रता है अपने पत्नी को घर में ही रखना पसंद करेंगे। आलोक मौर्या जी जो है वो तो उनको क्या बोलेंगे, जिस तरह से घटना उनके साथ हुआ है तो ऐसे में तो ब्रेन हेमरेज कर जाएगा दूसरे का रहेगा तो, लेकिन हाँ। अब मान लीजिए ज्योति मौर्या जी का उनका पति कहाँ से पसंद नहीं आया तो वो बाद में क्या करेंगे, दूसरे का खुशी या पसंद अब लगे, आप जैसे आप ही देखने में चिकना अच्छा स्मार्ट बॉय लग रहे हैं और आपके सामने थोड़ा हम डिमरलाइज लग रहे हैं, हैं तो आप अभी हमारा परिवार से जाके हंस लीजिए, बोला बोली भी अच्छा विचार आपका है, अच्छा बात बोलते हैं, तो आपका नीति साफ है लेकिन मेरी पत्नी का नीति साफ नहीं है कि नहीं, हम तो नहीं जानने गए हैं। पत्नी पे भी साफ, दिल तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया और हम क्या कर सकते हैं कि अब छोड़वा साहब जितना भी युवक है उनको कहते हैं हाथ जोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दो, ये लड़की तरकी चक्कर में मत रहो और नहीं तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारा भाई उसका शादी करेगा, प्यार कैसा है भाई। अब देखिए बात खोलवा रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं प्यार तो जरूर किए थे, जी हाँ, अब जो कैमरा पर झूठ नहीं ना बोलेंगे जी, कौन नहीं प्यार करता है, लेकिन प्यार उसको कहता है बिना छुए बिना उसकी भावना खराब किए हुए उसको भी एक प्यार कहता है, और एक जिस्मानी प्यार होता है जो हर वक्त आपके जिस्म से खेलने का प्यार होता है उसको प्यार नहीं करता है, उसको क्या कहता है, उसको हवस कहता है। ज्योति मौर्या जी और हम लोग सामाजिक भाषा में इसको प्यार बोलते हैं यहाँ, हाँ इसीलिए बोलते हैं कि देश को गलत संदेश दे के गलत तरीका से आप गलत जगह मोड़ रहे हैं, ऐसे में कोई भी कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, गरीब आदमी मजदूरी करके पढ़ाता है लिखाता है वो दूसरा के साथ में वहाँ जाके काटा फिट हो जाता है। जब भी वो किसी अधिकारियों के साथ होती है और उस वक्त उसका पति उसको अगर रिसीव करने आते हैं और उसके बाद उसको बताती कि यही वो इंसान है जो भगवान के समान है कि आज सफाई कर्मी था लेकिन मेहनत मजदूरी करके हमको SDM बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं करने के बजाय वो उनको लात मार के किसी और के साथ अफेयर हो गया या भाग गई। हमारे समाज में अगर कुछ होता है तो उसका प्रभाव हमारे समाज को ही पड़ता है, ऐसे में देख लीजिए एक मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला है, हस्बैंड वाइफ का मामला है, वाइफ है SDM है ज्योति मौर्या नाम है उनका और उनका हस्बैंड आलोक मौर्या, ऐसे में उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया और पैसा कमा कर अपनी बीवी को पढ़ाया और बीवी जो है उनको छोड़ दी है, तब से वो बहुत परेशान है, उसको लेकर हमारे समाज के लोग कुछ ना कुछ उनकी बातों को रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं क्योंकि उनकी भी बीवी है, उनकी भी बीवी पढ़ना चाहती है, इसी को लेकर हम लोग अभी पूर्णिया में है और पूर्णिया से के लोगों से जानेंगे कि आखिर ये जो खबर जो चल रही है इसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या की कहानी को लेकर। देखिए अभी तो ये पूरा देश में जो है ये खबर जो है पूरा रेशियो में चल रहा है, तो हम लोग भी सुने तो सुनकर अत्यंत दुख हुआ, अच्छा। और मैं किसी को भावनाओं का ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ लेकिन उस ज्योति मौर्या को कहना चाहता हूँ कि जब आपने शादी किया, हाँ तो शादी करने के बाद आप 10 साल गुजारे, आपका 2 बेटी भी जुड़वा सुना जाता है और आपको वो जो किस तरह से मेहनत करके हीरा ठाकुर के तरह आपको जो है कलेक्टर माने उसी का पद पर IDM पद कब जो है ये कम नहीं होता है तो आपको वहाँ पहुँचाया, पहुँचाने के बाद आप जीवन यापन अच्छी तरह से करते, हाँ जो एक बार हो गया हो गया, नौकरी तो आज है कल चला जाएगा आपका। आपको लगता है कि उनकी जो बीवी है ज्योति जिनका मौर्या नाम है वो धोखा दे रही है? अब जो दिखता है वही तो हम बोल रहे हैं ना, अगर जो आग लगा नहीं तो फिर धुआं दिखाई क्यों दे रहा है, अच्छा। आप जितना बड़ा बात ये विवाद खड़ा हो गया, आप चाहते तो पहले ही इसको समझौता कर सकते थे, अब ऐसा बड़ा समुंदर का विकराल रूप ले लिए हैं कि 2 किनारा मिलना मुश्किल है और 2 का जिंदगी तो खराब हो ही गया, अच्छा। अब इन ई मौर्या ज्योति मौर्या आप मान लीजिए शादी कर लेंगे अलग तो अपना गुजर बसर करेंगे और ये भी जो है उनका पति जो है कहीं कर लेंगे या नहीं करेंगे ये तो मैटर बात की रहा, लेकिन आप पूरी भारत में हर एक राज्य में हर एक जिला में हर एक प्रखंड में हर एक समाज में गांव गांव तक आप सोशल मीडिया के द्वारा फैला दिए कि कोई भी व्यक्ति जो आप पत्नी को पढ़ाने का जो आप सोच रखे थे या सोच कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं जो है अब विराम देने का काम हो रहा है जो सुनने में आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं?
ज्योति मौर्या जी देखते हैं वो वीडियो एगो आ रहा है उसमें जो है वो अपने पति को कह रही हैं कि तू सुपर है, हम लोग जमींदार हैं, समझ गए ना। तो ऐसे में क्या पढ़ाएगा अपना बेटी को चाहे वाइफ को, कल को वो भी पढ़ के या उधर जाके जो है कहीं सेटिंग हो गया तो फिर दूसरा ना खेला हो जाएगा। इसीलिए पढ़ाई लिखाई बंद करके भुट्टा छीलने का काम में लगा दिया गया है। भुट्टा छीलने का काम में हाँ लगाया हम लोग लगा दिए हैं। हाँ फोन लगाया। आपकी बीवी क्या करती है? पढ़ रही थी। हाँ। पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी। तब बोले तैयारी करके कोई फायदा है नहीं, अब यहाँ जो है मकई ढेरी हो गया है, भुट्टा छीलिए। आप आपकी बीवी जो है तैयारी कर रही थी। हाँ। और आप कह रहे हैं कि उनको आप पढ़ाई छोड़ा दिए? जी जी, क्योंकि गलत मैसेज गया है। आप देखिएगा सूर्यवंशन फिल्म देखिएगा, उसमें हीरा ठाकुर जिस तरह से काम किया था, हर मर्द करता था उस तरह से। एक फिल्म देखिएगा शाहिद कपूर का आया था विवाह, उसमें भी देख लीजिए वो लड़की जल जाती है, लेकिन शाहिद कपूर वहाँ जाके फिल्म में ना दिखाया गया, लेकिन हकीकत में भी तो समाज में वैसा ही संदेश जाता है कि चलिए ऐसा हुआ है तो हम लोग भी ऐसा करेंगे। ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या से प्रभावित होकर आप अपनी बीवी से बीवी को पढ़ाई छोड़ा दिए? जी बिल्कुल, गलत संदेश। और बीवी आपकी आपकी दूसरी है ना, ज्योति का अलग मामला है, आपकी बीवी अलग चीज़ है, वो धोखा नहीं देगी आपको? धोखा देने के बाद नहीं, देखिए पहले गलत संदेश ना जा रहा, मैसेज क्या जा रहा, हम लोग को डर लगता है। डर लगता है आपको? बहुत सारा हम देख रहे हैं अभी न्यूज़ चैनल में कि एक अधिकारी है वो अपनी बीवी को जो है वहाँ ले जा कर दरोगा बाबू के सामने में, वो महिला कह रही है कि हमको नहीं पढ़ा रहे हैं, वो कह रही है कि नहीं पढ़े हम लोग नहीं पढ़वाएंगे इसको, तो वहाँ वो रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारा परीक्षा होने वाला है और ये हमको नाम कटवा दिए, ऐसे कर दिए, कंप्लेन किए, तो वहाँ बड़ा वो देख रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं। हाँ, यूट्यूब में देखे थे अभी हम। आपके अपने बीवी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा क्यों नहीं है? है भरोसा है तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़वा दी? छोड़वा दी, अभी फिलहाल अभी ऐसे ही छोड़वा दिए है। डर लगता है आपको? डर लगता है, अगर समाज देखते हैं किस तरह से ये मैसेज जो गया क्या गया है। आलोक जी को क्या कहना चाहते हैं? आलोक मौर्या को, आलोक मौर्या जी जो है वो तो उनको क्या बोलेंगे, जिस तरह से घटना उनके साथ हुआ है तो ऐसे में तो ब्रेन हेमरेज कर जाएगा दूसरे का रहेगा तो, लेकिन हाँ लेकिन वो चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। ज्योति जी को क्या बोलना चाहते? ज्योति जी के बारे में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उनको बोले हम, कुछ तो बोल दीजिए। नो कमेंट्स। नो कुछ नहीं बोलाएंगे। देखिए आपके जो साथी हैं या अपनी बीवी को पढ़ाई लिखाई छोड़वा दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ज्योति मौर्या के विषय में पूछ रहे थे क्या कहना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ ज्योति मौर्या जी, खेले लड़े ना सातों घरे ना, आप तो गए गए, पति को भी गए गए भेजबे किए, अब पूरा भारत में ही संदेश चला गया कि जितने भी पतिव्रता है अपने पत्नी को घर में ही रखना पसंद करेंगे, दूसरों के साथ नौकरी करा के वो पैसा नहीं चाहिए जो दूसरे के साथ जाइएगा रंग रंगड़िया मनाइएगा आइएगा और हम सब के निगाह से देख के गल के मर जाए, वैसी नहीं चाहेंगे, और हमारा पत्नी मेरे घर में ही अच्छा लगता है, और पत्नी पति का जो रिश्ता है उसको कलंकित ना हो पाए इसलिए हम लोग यही सोचे हैं जो अभी देश दुनिया देख। सवाल है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र होता है, आपकी बीवी होगी जी जी जी, आखिर क्या वजह होगी कि पत्नी को ऐसा स्टेप लेना पड़ा? देखिए पति पहले पहल में जैसे भी कोई देखा होगा तो शक जैसे देखा आपसे हंसते हुए, तो अब तो हमको हंसने का जो तरीका जो देखे तो हमारे मन में घूमने लगा कि भाई हमारे साथ हंसती नहीं हो, जब हम आते हैं तो झाड़ के बात करती हो और परवीन जी आते हैं तो बड़ा एकदम कॉफ़ी पिला के गप करती हो, तो कुछ तो बीतते जाएगा, कुछ तो बनते जाता है, जब अपने घरों में रिश्तेदार पर जो है निगाह चल जाता है, आप तो गैर वहाँ गैर के साथ बात कर रहे हैं तो इसका संदेश क्या जाएगा? आप मौका क्यों देते हैं? आप भी यहाँ आइए उनको, अब हमारा हंसी उनको पसंद नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अब मान लीजिए ज्योति मौर्या जी का उनका पति का हंसी पसंद नहीं आया तो वो बाद में क्या करेंगे, दूसरे का खुशी या पसंद अब लगे, आप जैसे आप ही देखने में चिकना अच्छा स्मार्ट बॉय लग रहे हैं और आपके सामने थोड़ा हम डिमोरलाइज लग रहे हैं, हैं तो आप अभी हमारा परिवार से जाके हंस लीजिए, बोला बोली भी अच्छा विचार आपका है, अच्छा बात बोलते हैं, तो आपका नीति साफ है लेकिन मेरी पत्नी का नीति साफ नहीं है कि नहीं, हम तो नहीं जानने गए हैं। पत्नी पे भी अरे दिल तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया और हम क्या कर सकते हैं, औरत का भाग अति औरत का चरित्र मर्द का भाग कब पलट जाएगा ये भगवान ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। अच्छा समझ गया ना, पलट गया नहीं तो भाग वही ना, औरत का चरित्र बदल गया,
अपने पति को छोड़ के दूसरे जाकर सत में चला गया तो ये बदल न गया चरित्र। अब मर्द का भाग है दर दर का ठोकर खाइए, दू गो जोड़वा बच्चा है बेटी है हाँ उसको पालिए। प्यार जानते हैं क्या होता है? प्यार क्या होता है तो प्यारे करने वाला बताएंगे। दो शब्द कहिए प्यार के लेकर, क्योंकि प्यार बहुत पवित्र चीज होता है। अब देखिए बात खोलवा रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं प्यार तो जरूर किए थे। जी हाँ, अब जो कैमरा पर झूठ नहीं ना बोलेंगे जी, कौन नहीं प्यार करता है? सब प्यार करते हैं। लेकिन प्यार उसको कहता है बिना छुए बिना उसकी भावना खराब किए हुए, उसको भी एक प्यार कहता है अपने प्यार के बारे में। और एक जिस्मानी प्यार होता है जो हर वक्त आपके जिस्म से खेलने का प्यार होता है, उसको प्यार नहीं करता है। उसको क्या कहता है? उसको हवस कहता है, उसको व्यापार कहता है, समझे? हाँ। और हमारे नज़र में सबसे गंदा काम है। अच्छा। हम लोग जो किसी से प्यार किए हैं तो 3.5-4.5 के लगा के दूरियां बात किए हैं आज तक, जो कि किसी को मालूम भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ। ये आप ही को हम जब एक तरफा प्यार था नहीं, एक तरफा नहीं, एक तरफा कहीं प्यार होता है, लेकिन हम लोग को उस प्यार का जरूरी नहीं था जो किसी परेशानी में पड़ जाए। देखिए यहाँ के स्थानीय पत्रकार है आशीष भाई हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप तो पत्रकारिता भी करते हैं, ऐसे मामलों को कैसे देखते हैं? देखिए जरूर है कि इस जो मामला अभी है और एक गर्व करने का विषय हो सकता था उस ज्योति मौर्या को, जब भी वो किसी अधिकारियों के साथ होती और उस वक्त उसका पति उसको अगर रिसीव करने आते और उसके बाद उसको बताती कि यही वो इंसान है जो भगवान के समान है, कि आज सफाई कर्मी था लेकिन मेहनत मजदूरी करके हमको SDM बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं करने के बजाय वो उनको लात मार के किसी और के साथ अफेयर हो गया या भाग गई, तो ये कहीं ना कहीं कई मर्दों के लिए और हिंदुस्तान के औरतों पर कहीं ना कहीं बड़ा एक कलंक के रूप में छोड़ चुकी है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं जी? हम यही कहना चाहते हैं कि समाज से देश है और समाज को ही मौर्या जी गलत संदेश दे रहे हैं। कौन मौर्या जी? जो भी मौर्या दे रहे हैं हम लोग, जी जी ज्योति मौर्या जी, और हम लोग सामाजिक भाषा में बोलते हैं यहाँ। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि देश को गलत संदेश दे के गलत तरीका से आप गलत जगह मोड़ रहे हैं। ऐसे में कोई भी कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा? गरीब आदमी मजदूरी करके पढ़ाता है लिखाता है, वो दूसरा के साथ में वहाँ जाके काटा फिट हो जाता है, तो इससे संदेश तो गलत ही मिल रहा है ना। संदेश आपको गलत मिला है? वो पढ़ा लिखा अच्छा काम करता, देश के लिए काम करता, आज हम लोग खुश होते उनका सपोर्ट में खड़ा रहते, लेकिन वो ऐसा काम किया है कि आज नाक कटाने के लायक वाला काम हो गया। ज्योति जो SDM बहुत बड़ा पद होता है, ऐसे में उनको क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करता तो हम लोग बधाई देते हैं, आज देख रहे हैं कि देशवासी क्या बोल रहा है। देखिए अशोक जी हैं जो कि लगातार पूर्णिया में ट्रेंडिंग में बने रहते हैं और ऐसे में ज्योति जी को लेकर बात रख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं समाज के लिए? समाज के लिए यही कहेंगे कि इसको एक बुरा सपना देख के भूल जाइए, है ना? और आगे की सोच अच्छा रखिए। हाँ, हम भी जो बोल रहे हैं उस बात पर देखिए, कोई एक आदमी गलत हो जाए तो सब नहीं होता है, लेकिन क्या करिएगा, ये तो हमारे रामायण कुल से चलते आ रहे हैं कि सीता माता को भी परीक्षा देना पड़ गया था और इनको भी परीक्षा में पास नहीं किए, फंस गए। ठीक है, इनका खिलाफ में सब। अच्छा एक बात बताइए, मर्द जो है कम पढ़ा लिखा है, बीबी जो है बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो इसका क्या मतलब, रिश्ता संभव नहीं है क्या? तो वो तो शादी के टाइम में ही ना बनना चाहिए था। अगर शादी के बाद हो भी जाता है तो क्या, तो उसको मेंटेन्स करके चलना चाहिए। आप सुना जा सकता है कि वीडियो में बोला जा रहा है DM ज्योति मौर्या के द्वारा कि तुम जो है नीच फैमिली से हो, हम राजा फैमिली से हैं, जमींदार फैमिली से हैं, ये सब पति पत्नी में कहाँ से आ गया? सो बोलिए, ये आया कहाँ से? आप बोल रहे हैं हम तो और बात भी निकलेगा छन के। तो एक ये हो गया ज्योति मौर्या का, और एक बीच में चला था एगो आरती छोटू का प्यार, उसको रहने दीजिए, बेईमानी वाला, समझे? वो एक ऐसा काम करके गई आरती कि अब छोड़वा सब जितना भी युवक है उनको कहते हैं हाथ जोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दो, ये लड़की तरकी चक्कर में मत रहो, और नहीं तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारा भाई उसका शादी करेगा। प्यार कैसा है भाई, हमको समझे? आप ही कहने इस पर बोला था चैनल में, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं छोटू की ही विधवा हूँ, फिर ये दूसरा रोल कहाँ ढूक गया? तुम प्यार के मजाक बनाए हो, तो यह ज्योति मौर्या भी जो पति को मजाक बना दिया है, तो अब हमारा दुनिया क्या बोला है, समझे? मैंने उल्टा पुल्टा यहाँ काम अब होगा, क्योंकि सरकारें उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। अच्छा, लोग देख रहे हैं आपको, ज्योति मौर्या से लोग भी बहुत दिलचस्प दिखा रहे हैं कहानी में, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं?
क्या कहना चाहेंगे, जो जो बेइज्जती होना था अपना देश का समाज का आप तो करिए दिए। पति लोगों का भी तो हुआ है, वही तो बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। आपको तो वो काम करना चाहिए जो आशीष जी बोले हैं कि आपका अगर आता रिसीव करने फलना तो बोलते देखिए मेरा पति है, गर्व से बोलते। अरे एडीएम तो आप ही, आपका कद थोड़ो घट जाता, आप तो एडीएम है ये है। अरे पति का कद भी तो बढ़ाना चाहिए, वही ना बनाया था आपको, अगर वो नहीं बनाता तो घर में चौका बर्तन। को क्या कहना चाहते लोग जो देख रहे हैं, लोगों को कहना चाहते कि ऐसी मानसिकता बदलना चाहिए और अपने परिवार पर विश्वास रखना चाहिए और ऐसा कोई विवाद ना खड़ा करे, ऐसी कोई भावना ठेस पहुंचाने वाला भाषा ना करे पति पत्नी का पवित्र रिश्ता को, जो कल के दिन आपको परीक्षा देना पड़ जाए। और आप जब आप ही नहीं रहिएगा तो पति पत्नी क्या करेगा। देखिए जब से ये मामला उठा है तब से चर्चा का विषय बना है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, लोग तरह तरह के बात रख रहे हैं। बहरहाल इनकी बात कैसी लगी आपको कमेंट में लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।